ओम शांति। आज हम बाबा की 1 नवंबर की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा की याद में हम बैठते हैं तो बाबा कहते सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, बच्चों को अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठना है। बच्चों को पता है कि हम बाबा को क्यों याद करते हैं। बाबा की याद से हमारे पाप कर्म कटते हैं, बाबा की याद से हम सच्चा सोना सतोप्रधान बनते हैं, बाबा हमारी आयु भी बड़ी कर देता है, आत्मा भी कंचन बन जाती है। बाबा कहते तुम कितने भाग्यशाली थे, स्वर्ग के मालिक थे। देवी देवताओं को ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहा जाता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि इनको ऐसा विश्व का मालिक किसने बनाया। बाबा कहते इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखाकर ऐसा संपूर्ण देवता बनाता हूँ। यह संगम युग कलयुग के अंत और सत्युग के आदि का बीच का समय है। बाबा कहते यह दोनों बाप बैठकर तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। अगर अकेला बाप ऊपर बैठा था लेकिन शरीर बिना, बाबा कहते वो कैसे श्रृंगार करे। तो इसलिए गायन भी है बत 12, अर्थात दो जब मिल जाते तो 12 का काम हो जाता है। बाबा कहते दोनों बाप बैठकर ज्ञान योग से श्रृंगार करते हैं। कई बच्चे, बाबा कहते अच्छे अच्छे पुराने बच्चे भी माया के वश हो जाते हैं। वह कहते हैं हम डायरेक्ट शिव बाबा से वर्षा लेंगे, हमें ब्रह्मा से कोई कनेक्शन रखने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते कोशिश कर लो, शरीर बगैर शिव बाबा कैसे श्रृंगार करे। इसलिए गौ मुख का गायन है। आज बाबा ने हमें माया रावण से सावधान किया है। बाबा कहते जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन माया रावण भी दुष्टर है, वह अपनी तरफ खींच लेती है। फिर जब सम्मुख आते हैं तो बाबा उनको समझाते हैं कि ये माया ग्रह ने तुमको खा लिया, वश कर लिया। अगर घायल हो जाते हैं तो पद भी बहुत कम हो जाता है। बाबा कहते हमेशा ये बुद्धि में रहे कि हम संगम युग पर हैं, बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमें पावन बना रहे हैं, नई दुनिया में ले जा रहे हैं। बाबा कहते नई दुनिया में नए संबंध होंगे, इसलिए इस पुरानी दुनिया के संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। हम तो अकेले आए थे, अकेले जाना है, अब बाबा के साथ ही हमें जाना है। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं, अकेला नहीं। प्रश्न है तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो। पहली पॉइंट, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरी पॉइंट, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की जो खाद है वह निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। तीसरी पॉइंट, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथी पॉइंट, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवी पॉइंट, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे, यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहां बैठे तुम क्या करते हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है कि बाप को हम क्यों याद करते हैं। बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं, बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतुप्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है। याद की यात्रा से
यह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है, फिर आयु भी बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मापदम भाग्यशाली बन जाएंगे, इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव माँ मेकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते हैं, बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई, अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पानी के स्नान से तुम जन्म जन्मांतर ये स्नान करते आए हो। समझा, हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है झूठी माया, झूठ बोलने के संस्कार है सबके। बाबा कहते मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? अभी तुम फील करते हो कितना गंगा स्नान करते आए हैं, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े ना। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। यह तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। यह तो सहज समझने की बातें हैं, इसमें कोई मुश्किलात तो नहीं है, न किसको सुनाने में मुश्किलात हैं। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो, अपने को आत्मा समझ, बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर को तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, और हिंदी में समझाते हैं, हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना। यह कितने भाग्यशाली हैं, यह किसको भी पता नहीं कि यह स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं, यह सहज योग द्वारा, यह पुरुषोत्तम संगम युग पर यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं दो अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं, और कोई भी ऐसा कह न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतोप्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमोप्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाप सुनाते हैं और कोई भी जानते नहीं है। कहां भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेला था, शरीर बगैर था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर न सके। कहते हैं ना 12, एक और दो मिलकर 12 हो जाते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात ही नहीं है, ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल न सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी है ना कि बाबा हमको सुख धाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है, उनकी ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए।
इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छीछी बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो कि इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। वहां क्रिमिनल आय होती नहीं, स्वर्ग में क्रिमिनल आय होती नहीं, तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो छीछी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ तो सब देह अभिमानी है, उनको देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उनकी नेचुरल ब्यूटी है। बाबा हमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन ही नहीं सकता है, कोई पहने तो उनको ही लूट लेवे। वहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बगैर तो तुम बन ही न सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वो देंगे ही कैसे। भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे, ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है, शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, अर्थात काट लेती है। एक को मानते हैं, परंतु एक क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊं, मुख बगैर बात कैसे कर सकूं। मुख का तो गायन है ना, गौ मुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा। उनको कहा जाता है बुद्ध पूजा, उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकी पांच तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करने का हो गया। पांच तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा। प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वह है सतो प्रधान प्रकृति, यहां है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता है। यहां तो सतो प्रधान प्रकृति मिल ही ना सके। यह जो भी साधु संत है, बाप कहते इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है, मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूं। यह है प्रवृत्ति मार्ग, सबको कहता हूं पवित्र बनो। वहां तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है, तो बाप समझाते हैं देखो ये नाटक कैसे बना हुआ है। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग है। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल न सके। इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को भी वंडर कहा जाता है, कितना शोभनिक है। माया के साथ वंडर और बाप का ये एक वंडर, यह सात वंडर तराजू में एक तरफ रखो और ये एक वंडर बाबा का दूसरे तरफ में रखो, तो भी ये भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान और एक तरफ भक्ति को रखो, तो भी ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं नहीं हम तो छीछी बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी ये विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं, बिच्छू टिंडन सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। बाप कहते तुम कितने निधन के बन जाते हो। तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं, बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाएंगे, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने की भी अकल नहीं रहती है, छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है।
कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। वह है प्रवृत्ति मार्ग। वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते हैं। उनको कहा ही जाता है श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है, हम क्यों ना उनके पास जाएं। इसलिए तुम यहाँ आते हो मधुबन में रिफ्रेश होने। दिल कशिश करती है बाबा के पास जाने के लिए। जिनको पूरा निश्चय होता है वो तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बगैर कारण ही छोड़ देते हैं। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारकती व डाइवोर्स दे देते हैं। बाप जानते हैं यहाँ रावण के वंश के हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। कोई फिर आ जाते हैं, बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है, बाबा लाठी थोड़ी लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया ग्रह खा जाता है, अच्छा हुआ बचकर आ गए। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। तो सदैव एक रस ही रहेंगे, वह कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहां से बाप को छोड़ मर कर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और जोर से खाएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं। समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसको दुख नहीं दो। ब्लड से लिखकर भी देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़पाती है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं हो जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़े ना। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमोप्रधान है, खाद पड़ गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है। याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना छीछी बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं है जो विकार से पैदा न हुआ हो। वहां यह विकार का नाम ही नहीं है, रावण ही नहीं है। रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं बच्चे यह एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती है। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो कि यह पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। अब है पतित, तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि यह पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते हैं सुख धाम में चलना है तो यह छीछी बनना छोड़ो। आधा कल तुम छीछी बने हो, सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी, बाबा की बहुत ग्लानी की। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पाठ मिला हुआ है।
वह बजाना ही है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? सत्युग में कोई रोता नहीं है। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वह रोना पीटना शुरू होता है। मोहजीत की कथा भी तुमने सुनी है, यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सत्युग में कोई की अकाले मृत्यु होती ही नहीं। मोहजीत बनाने वाला एक ही बाप है, परमपिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं? बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, न बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो, हम संगम युग पर हैं। एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए भी नहीं देखना है। हम नई दुनिया को ही देखते हैं। हम देवता बनते हैं तो उस नए संबंधों को ही देखते हैं, पुराने संबंध को देखते हुए भी नहीं देखते हैं। यह सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे और अकेले ही जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने के लिए। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब है ना। बाप विश्व की बादशाही दे देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है, पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे, हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। बाबा का वरदान है, मन मना भव होकर अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मना भव होकर अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, ये संगम युग के सुहेज हैं। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप से नहीं, लेकिन मन मना भव होकर मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन ये रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। बाबा का स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। ओम शांति।